देखिए हमारा है कि आपने देखा है कि करीब 7 करोड़ रुपए की जो रोडें बनी थी वो सारी रोडें उखड़ गई, उसमें से एक प्रमुख रोड ये भी है। ये मैकेडम कंपनी ने इसका टेंडर लिया था, जिस पर मैंने आपत्ति ली थी। पहले दिन जब ये रोड बनी थी मैंने झाड़ू मार के रोड को उखाड़ दिया था, तो मुझे अधिकारी और सब बीजेपी के लोग बोल रहे थे कि अभी तो भले इस पर एक लहर और चढ़ेगी, लेकिन दूसरी लहर चढ़ने के बाद भी मात्र 6 से 8 महीने में ये रोड उखड़ गई। तो क्या सरकारी पैसा, नगर निगम का पैसा क्या ये ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए? ये अभी बोल रहे हम पेच वर्क करेंगे। हमें पेच वर्क नहीं चाहिए, हमें ये रोड जितनी भी बनी वो गारंटी पीरियड में है, तो आप उसको खोदिए और आप फिर से उसको नहीं बनाइए, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। हम ऐसा एक एक पाई का हिसाब जनता के टैक्स की कमाई, गाड़ी कमाई होती है, और हम उसको एक रुपए को खाने नहीं देंगे। अगर आज देखिए हमने यहाँ पर एक खटिया लगाई, हमने इसको आज ये तो देखिए चंद्रयान की सत्ता की तरह हो चुका है, हमने यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए, और क्यों ना हम इसको गार्डन बनाते हैं। रोड तो बची नहीं है, तो हमने आज बड़े बड़े पेड़, हमेशा लोग छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं, लेकिन हमने बड़े पेड़ पौधे लगाकर कम से कम इसको एक गार्डन का रूप तो देना चाहा। आप देखिए कि खंडवा शहर में ये क्या चल चुका है, एक नई प्रकार की बीमारी हो गई है कि जितना भ्रष्टाचार करोगे उतने आगे जाओगे। बीजेपी के नेता क्या कहते हैं कि हम 18 साल से ऐसे ही जीतते आ रहे हैं। भैया ये क्या है, आपने पब्लिक ने आपको सम्मान दिया है, तो क्या आप उसको भ्रष्टाचार से उनको इनाम दोगे क्या? खंडवा की जनता जान चुकी है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। अब खंडवा की जनता नहीं सहेगी, खंडवा की प्रत्येक जनता अब इनको सबक सिखाएगी 2023 के चुनाव में।